स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के आज सुबह की सच्ची खबर में और बड़ी खबर में। क्योंकि बड़ी खबर यह है कि प्री प्राइमरी को लेकर के आंगनबाड़ी केंद्र जो भी हैं भवन, आज से यानी कि अभी अप्रैल से सब कुछ वो समाप्त हो जाएंगे और उनको प्री प्राइमरी में बदल दिया जाएगा। और यह भी सच है कि यहां पर हर एक आंगनबाड़ी केंद्रों को अभी नहीं बदला जा रहा है, तो पूरी खबर को देख लीजिए कौन कौन से केंद्र बदल रहे हैं और क्यों कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो आंगनबाड़ी बहनों, इसका मतलब क्या है, यह सब कुछ इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। क्योंकि बहुत से जगह व्हाट्सएप के माध्यम से खबर टहल रही है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। समाप्त होने का मतलब बता दूं कि आपका ना तो यहां पर नौकरी जाएगी, ना ही आपका केंद्र जा रहा है, सिर्फ उसका नाम बदल के प्री प्राइमरी कर दिया जाएगा और उसके तहत शिक्षा में जो है गुणवत्ता में थोड़ा बहुत सुधार किया जाएगा, बस यह किया जाएगा। और इसी चीज को कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और प्री प्राइमरी में बदल दिया जाएगा। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं इसके विषय में पूरी की पूरी डिटेल से जानकारी। लिखा है, यूपी में अब खत्म होंगे आंगनबाड़ी केंद्र, इसी सत्र में बदलेगी प्री प्राइमरी स्कूल में। और साथ ही साथ 6/2/2020 को बताया जा रहा था कि परसदी स्कूलों में पढ़ाई का जो पैटर्न है वो आपका एनसीईआरटी आधारित करने की तैयारी शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने के लिए प्रदेश सरकार कर रही है। अभिनव प्रयोग 2020-21 के बजट में आएगा इसका प्रस्ताव और जिलों में तैयारी के लिए भेजा गया है आदेश। तो बात की यदि हम आदेश की, तो यहां पर बता दूं काफी सारे ऐसे स्टेट है यानी कि राज्य हैं जहां पर प्री प्राइमरी की पढ़ाई चल रही है। ऐसे में उन राज्यों को देखते हुए यहां भी यूपी सरकार यही करने जा रही है, यहां पर भी आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी का दर्जा दिया जा रहा है और उसमें जो शिक्षा का थोड़ा बहुत सुधार किया जा रहा है। आगे देख सकते हैं, लिखा है अब उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उसकी जगह पर प्री प्राइमरी स्कूल हो जाएंगे। अस्तित्व समाप्त होने का मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया ताकि आप लोग घबराए ना, परेशान ना हो कि अस्तित्व समाप्त होने का मतलब क्या है, क्या आंगनबाड़ी की नौकरी जाएगी या आंगनबाड़ी का केंद्र नौकरी सब कुछ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्री प्राइमरी में बदले जा रहे हैं। अब पढ़ाई को लेकर के भले ही यहां पर आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े, आगे देख सकते हैं लिखा है इसके लिए सरकार ने तैयारी कर ली है, इसका बजट इसी सत्र में पास हो जाने की उम्मीद है। इसके लिए जिले में सूचनाएं भेज दी गई है कि 1 अप्रैल से प्री प्राइमरी स्कूल चलाने की तैयारी की जाए। अभी 1 अप्रैल की मैं बात कर रहा हूं, जस्ट 1 महीने के बाद मार्च आएगा भी और फरवरी जैसे तैसे जा ही रही है, तो अब 1 अप्रैल से नए सत्र से बता रहे हैं कि इसकी तैयारी सरकार ने कर दी है, शायद सब कुछ शुरू भी हो जाए। तो प्री प्राइमरी के बाद बेसिक शिक्षा में एनसीईआरटी पैटर्न की पढ़ाई शुरू करने की भी जो है तैयारी है और प्री प्राइमरी स्कूलों में 3 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे और इसके लिए जब तक प्राथमिक विद्यालय अथवा अन्य जगह ग्राम पंचायतों में नए भवन की व्यवस्था नहीं हो जाती, ये बात समझने वाली है। लिखा हुआ है प्राथमिक विद्यालय अथवा अन्य जगह ग्राम पंचायत में नए भवनों की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर ही पढ़ाई होगी। यानी कि जिसके पास खुद के भवन नहीं है, यानी कि जो ग्राम पंचायत में जमीन खाली पड़ी हो वहां पर भवन नहीं बन पा रहा है, ग्राम समाज वाली जो जमीन है वहां पर भवन बनाए जाएंगे, इन सब चीजों को लेकर के अभी थोड़ी बहुत जो प्रयास सरकार को करने हैं। ऐसे में जहां जमीन खाली देख रहे हैं वहां भवन दिए जा रहे हैं, खुद के आंगनबाड़ी केंद्र के भवन बन रहे हैं। उनका नाम तो आंगनबाड़ी केंद्र ही रहेगा, आंगनबाड़ी भवन ही रहेगा, लेकिन जो पढ़ाई का स्तर होगा लिखित तौर पर वो आपका प्री प्राइमरी को लेकर के शिक्षा के अंतर्गत आप लोग जुड़ जाएंगे, ऐसा यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है। जैसा कि देख सकते हैं केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा मिशन के मद में मिले बजट को सरकार इस योजना पर खर्च करेगी, यह बताया जा रहा है। जो केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा मिशन के मद में बजट अभी मिला है उसके संबंध में कहा जा रहा है या मिलेगा, तो उसके संबंध में बता दूं कि इसी योजना पर लगाया जाएगा प्री प्राइमरी में आंगनबाड़ी केंद्रों को बदलने के लिए। वहीं पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आगे आप लोगों के लिए कि अभिनव प्रयोग में सरकार जो तमिलनाडु कर्नाटक ये जो राज्य है यहां पर प्री प्राइमरी की शिक्षाएं चल रही है, बहुत अच्छे तरीके से वहां के आंगनबाड़ी केंद्र बने हैं, सुविधाएं भी अन्य राज्यों की तुलना में कर्नाटक और इन जगह जो है अच्छी दी गई हैं, इसी वजह से देख देख करके लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और शायद कुछ शिक्षा में सुधार हो सके। लिखा जैसे शिक्षा में अग्रणी राज्य की श्रेणी में आने की कोशिश करेगा, जैसे ये है उन्हीं की तरह उत्तर प्रदेश भी आने की कोशिश करेगा। आगे कहना चाहूंगा लिखा हुआ, दरअसल पिछले वर्ष से ही यूपी सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में एनसीईआरटी पैटर्न पर
पढ़ाई शुरू करने की कवायद शुरू की थी। दरअसल केंद्रीय विद्यालय और परिषदीय विद्यालय में एक अंतर है कि वहां बच्चे प्री प्राइमरी के बाद जाते हैं, यहां बच्चे को गोला बनाने की शिक्षा से शुरुआत करनी पड़ती है और एनसीईआरटी पैटर्न में मान लिया जाता है कि बच्चा प्राथमिक ज्ञान के बाद पहली कक्षा में शुरुआत कर रहा है। इसके बाद ही शिक्षा के क्षेत्र में नए नए अभिनव प्रयोग में जुटी यूपी सरकार ने प्री प्राइमरी शिक्षा के प्रारूप पर काम करने के लिए विभाग से राय मांगी थी, जिस पर पूरा ब्यौरा बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों ने बना करके भेज दिया है। इस पर अमल करते हुए शासन ने इस वर्ष से ही प्री प्राइमरी विद्यालय चलाने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसके साथ ही निर्णय लिया गया कि अभी इसके लिए नए भवन नहीं बनाए जाएंगे, अभी प्राथमिक विद्यालय यहां यानी कि या फिर जहां पर प्राथमिक विद्यालय दूर है वहां पर गांव से जो संचालित आंगनबाड़ी केंद्र पर ही ये विद्यालय चलाए जाएं और प्री प्राइमरी के जो बच्चे हैं उसके बारे में सरकार इस तरीके से कुछ सोच रही है। आगे आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, आगे जो लिखा हुआ है जो शिक्षा के साथ ही जो है पुष्टाहार भी दिया जाता रहेगा और उनके शरीर का ध्यान रखने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का दायित्व तो और बढ़ जाएगा। तो यदि बात की जाए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को के दायित्व की तो उनके शरीर का ध्यान बच्चों के, तो जो हम लोगों का काम था बच्चा पेट में हो मार के उससे लेकर के जब तक टीके लगते हैं 2-4 साल तक बच्चे की देख रेख करना हर एक जिम्मेदारी, चाहे वो गर्भवती माँ हो या धात्री माँ हो, हर किसी की जिम्मेदारी जो शारीरिक रूप से वो आंगनबाड़ी पर ज्यादा थी। ऐसे में पढ़ाई का माहौल आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों का थोड़ा बहुत खराब हो रहा था, ऊपर से गैर विभागों के कामों की जिम्मेदारी भी आंगनबाड़ी पर इसी समय सौंपी गई थी। गतिविधियां भी आंगनबाड़ी को बनानी थी, कुपोषण भी आंगनबाड़ी को भगाना था, पल्स पोलियो जैसे अभियान भी आंगनबाड़ी को चलाने थे, आधार कार्ड भी आंगनबाड़ी को बनवाने थे। ऐसे में कितने काम बताऊं जो आंगनबाड़ी पर पड़े हुए हैं, तमाम काम है आप सब जानते हैं। ऐसे में आप खुद सोचिए शिक्षा का स्तर आंगनबाड़ी के बच्चों में बेचारी बहनें कैसे पूरा कर पाएंगी। तो कहीं ना कहीं प्री प्राइमरी में भी बदल रहा है, नया टीचर भी आने की उम्मीदें रहेंगी और इसमें कक्षाओं की बात कर लूं मैं तो LKG UKG टाइप का रहेगा, साथ ही साथ कक्षा 1 और 2 रहेगा। जो छोटे बच्चे रहेंगे LKG UKG उनमें आंगनबाड़ी केंद्र पर जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं शायद वही तैनात की जाएं। लेकिन यहां पर सवाल यह भी बना रहेगा, जिस तरीके से सरकार कहती है कि आंगनबाड़ी से तमाम गतिविधियां बनवाई जाती हैं, तमाम काम कराए जाते हैं विभागी, तो ऐसे में वो शिक्षण का कार्य नहीं कर पा रही हैं और बच्चों में उस तरह की गुणवत्ता नहीं देखने को मिली, ये बातें भी मीडिया सरकार के विभाग के मन में उठ रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग अपना मन इस तरह भी बना सकते हैं कि आने वाले समय में शिक्षण का कार्य किसी और को भी सौंप सकते हैं, आंगनबाड़ी को इससे मुक्त भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा फिलहाल के लिए यही बता दूं और जो भी ये सब कुछ होगा उसमें गलती क्या रहेगी उसके बारे में बात कर लेता हूं कि हम लोगों की कोई ढंग की नियमावलियां नहीं है कि हम लोग किस श्रेणी में आते हैं, राज्य कर्मचारी हैं ये क्या है, समाज सेविका के रूप में जब से योजना आई तब से हमको डाल करके रखे हैं, काम हर राज्य के जो है मुख्यमंत्री ले रहे हैं यानी कि सरकार ले रही है, विभाग ले रहा है, यहां तक कि गैर विभागों के काम भी आंगनबाड़ी से विभाग ले रहा है और उन्हीं कामों का जो बोझ है वो उन पर बढ़ता जा रहा है, जो उनका मेन काम था टीचर का, अध्यापक का, शिक्षण कार्य का, तो वो उनका छूट रहा है। और ऐसे में इसकी जिम्मेदार जो होंगे वो हमारे बड़े बड़े मंत्री लोग होंगे, क्योंकि लुभावने अवसर तो बहुत दिए गए, नियमावलियों में यदि उन्होंने संशोधन कर लिया होता और इसके कुछ ना कुछ गलती मैं कहूं तो हमारे यूनियनों की भी रहेगी कि वो गलत डायरेक्शन में प्रयास करते रहते हैं। मेरा यहां पर मानना है कि पहले नियमावलियों में संशोधन करवाइए, नियमावलियां कुछ ढंग की बनवाइए कि जब भी कुछ राज्य में राज्य कर्मचारियों को कुछ तोहफा सरकार देती है तो आंगनबाड़ी को भी मिल जाए, ये ना कहा जाए कि ये तोहफे के लायक नहीं है, ये समाज सेविका है, समाज सेविका अपने मन से काम करते हैं। तो तमाम ऐसे मुद्दे उठते हैं जिन पर आंगनबाड़ी बहनें बेचारी निराश होती हैं और उनके हाथ कुछ नहीं लगता। आगे आप देख सकते हैं लिखा, इस योजना में बच्चों को अध्ययन के साथ ही दूध और पुष्टाहार दिए जाने की भी व्यवस्था है। इस योजना में भारतीय शिक्षा मिशन और बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग भी शामिल रहेगा, इससे भी पूरा सहयोग लिया जाएगा, लेकिन पूरी व्यवस्था के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे, खबर सूत्रों के हवाले से यह है। लेकिन अब बात कर लेते हैं थोड़ा काम की और ज्ञान की। यहां पर आपने देखा ये दो विभाग मिलकर के चलेंगे, बेसिक शिक्षा विभाग और बाल विकास विभाग, मतलब क्या है कहने का, काम जो भी होंगे दोनों लोगों से होंगे, जो ग्राउंड लेवल के ज्यादा कठिन वैसे काम होंगे दौड़ भाग के, मेरे ख्याल से वो आंगनबाड़ी पर थोपती सरकार चली जाएगी, चाहे बच्चे बुलाने का हो और चाहे जो है उनको घर घर गृह भ्रमण का हो, सब कुछ काम ये तो इतना आंगनबाड़ी कर ही रही है।
अब शिक्षण का काम बस सवाल चिंता का विषय यही रहता है। शिक्षण का काम यदि LKG UKG में आंगनबाड़ी करेंगी तो एक तरफ सरकार का यह भी मानना कि आंगनबाड़ी बच्चों को ढंग से पढ़ा नहीं पा रही है, उसका कारण यह है कि वो योग्य और ना योग्य की तो बातें अलग की आप छोड़ दीजिए, उन पर हम नहीं आते, बहुत सी बहनें योग्य हैं, हम उनको पीछे छोड़ते हैं, लेकिन यहां पर एक मेन मकसद सरकार का यह है कि यहां पर आंगनबाड़ी अन्य जो तरह के काम कर रही है, गतिविधियां हो या अन्य तरह के जो भी विभागीय और गैर विभागीय तमाम कार्य, जिसके चलते आंगनबाड़ी को बच्चों को अपनी देख रेख उनको पढ़ाने का टाइम सही से नहीं मिल पा रहा और दौड़ भाग में वो उनसे नहीं हो पा रहा है, तो ये जो सोच रहे ना, तो ये उनकी सोच शायद थोड़ी बहुत हद तक आप लोगों के लिए कठिनाई आगे आने वाले समय में साबित कर सकती है। तो उम्मीद करता हूं आज आप लोगों को जो जानकारी दी गई, 1 अप्रैल से आप लोगों का उत्तर प्रदेश में प्री प्राइमरी का पठन पाठन का कार्यक्रम शुरू होने वाला है और तमाम राज्यों में यह भी बता दूं चल भी रहा है। अब बात कर लेते हैं मानदेय की। लोग कहते होंगे आप प्री प्राइमरी के बारे में बात करते हैं लेकिन मानदेय को लेकर के कुछ भी बात नहीं करते कि ये प्री प्राइमरी में बदल तो जाएंगी, मानदेय का क्या होगा। तो सबसे पहले बता दूं अभी शिक्षण कार्य का क्या होगा, ऊपर से हमारी नियमावलियों का क्या होगा। जब तक हम सबकी नियमावलियां नहीं बदलती तब तक मुझे नहीं लगता कि सरकार हम लोगों को कुछ पैसा दे पाएगी। तमाम राज्यों जहां पर प्री प्राइमरी की कक्षाएं चल रही हैं उन बहनों से यदि आप वीडियो देख रही हैं तो विनती है आप लोग बताएं कि आपके वहां पर क्या मिल रहा है मानदेय के विषय में। प्री प्राइमरी का दर्जा तो दे दिया गया, आपको कार्य भी सौंप दिया गया होगा पढ़ाने का, तमाम जिम्मेदारी भी हो सकता है बढ़ गई होंगी इसका इसकी वजह से, और ऐसे में क्या आपका मानदेय बढ़ा है कि सिर्फ जिम्मेदारी बढ़ी है, तो ये आप लोग बेहतर ढंग से बता सकती हैं। बाकी मुझे पता है कि कहीं भी मानदेय नहीं बढ़ाया गया प्री प्राइमरी में करने के बाद में, और जैसे तैसे बहने जैसे थी वैसे ही उन पर काम का बोझ और बढ़ गया। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो प्री प्राइमरी को लेकर के समझ में आ गया होगा। अब आगे हम आपको दिखाएंगे हमारे ग्रुपों में ऑल इंडिया में जो है पड़ा हुआ था, और कुछ ऐसे वीडियो आएंगे जो आज दोपहर तक आप लोगों को मिल जाएंगे और उसमें भी काफ़ी सारी अच्छी जानकारियां रहेंगे, कुछ जगह से लेटर रहेंगे, अलग राज्यों से खबरें भी रहेंगी। खासकर आज तो ये सुबह का यूपी के लिए ही हो गया। धन्यवाद।